दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी पहाड़न में। दोस्तों आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और हम भी स्वस्थ हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो बन रही है वो सिर्फ मेरी लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे जो मेरे लोकली हैं, इस क्षेत्र के हैं, उन लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे कि, और पर्सनली मैसेज भी आया था कि आप अपने घर और अपने काम दोनों चीज़ कैसे मैनेज करते हैं और आप हार्ड वर्क करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग लेडी हो। हमारे साथ भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि हमें घर भी और बाहर भी संभालना पड़ता है, लेकिन हमें दोनों में से एक ही चीज़ चूज करनी पड़ती है, तो हमसे ये बिल्कुल नहीं हो पाता है। आप अपनी बेबी को, अपने घर को, अपने खेती बाड़ी को, अपने गाय भैंसों को और अपनी दुकान को कैसे संभालते हैं, तो उस पर ही मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है और मेरी दिनचर्या कैसी है। तो अगर आप लोगों को पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना। तो चलिए देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। तो दोस्तों सबसे पहले सुबह उठ के मैंने नाश्ता बनाया है और अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए, क्योंकि हमारे घर में अभी भी गाय भैंस और हमारे बैल हैं, तो उनके लिए घास लाऊंगी सबसे पहले। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दथड़ी पलियाना, यानी कि घास काटने से पहले इसकी धार बनानी है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, घर के नज़दीकी हमारे खेत हैं, तो मैं वहीं से घास लेके आऊँगी। तो आगे क्यों गया? और वैसे मैं आपको टाइम भी बता दूँ, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये चारों तरफ के जो खेत हैं फिर से हमारे नहीं हैं सारे के सारे, लेकिन जो मेरे आसपास जितने खेत हैं वो सारे हमारे हैं। ये ऐसा घास है जिस पे इसकी फली लगती है और हम हाथ लगाते हैं तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और क्षीण हो जाता है। और इसके जो फूल हैं, पहले बचपन में जब हम खेलते थे तो उसको कुंडल बनाते थे इन फूलों के, बहुत सुंदर फूल हैं। ये हैं हमारी दालें। इस बार पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भट की दाल अच्छी हो रखी है। सामने बशाल गांव है। केदारनाथ की चोटियों पे धूप आ गई है, वहाँ बहुत जल्दी धूप आती है। और सामने जो चोटियाँ दिख रही हैं वो चौखंबा की हैं, वहाँ तो सुबह कब की धूप लग गई है। हमारे यहाँ पे तो काफ़ी लेट आती है धूप। दोस्तों ये है रामदाना, चौलाई भी इसको बोलते हैं। तो जैसे जो मिक्स फसल होती है, मिश्रित फसल जिसको बोलते हैं, मंडवे के साथ जो कोदा होता है उसको हमारे यहाँ कोदा बोलते हैं, मंडवे को। तो कोदे के साथ मरचू बोया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो ये कोदा तो हमने निकाल दिया है, लेकिन मरचू को अब निकालेंगे कुछ दिनों बाद। और ये साथ में मरचू के साथ साथ दाल भी बोई जाती है, सोंटे की दाल। तो मिश्रित खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है, सारी चीज़ें साथ में।
ये है किकलणिया का लगलू, इसको हिंदी में और बॉटनिकल नेम पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको घर में बोलते हैं हमारे यहाँ किकलणिया। इसके जो नीली फूल हैं, इसके साथ हम बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते थे, और इसके फूलों को अगर हाथ पे लगाएंगे रगड़ के तो हाथ गुलाबी हो जाते थे थोड़ा सा खट्टा डालने के बाद। और ये रहा हमारा ब्रूनो, तो आप सभी को पता ही है जहाँ भी हम जाते हैं ये साथ में रहता है। मैं घर पहुंच गई हूं, अब मैं थोड़ा सा घास अपनी गाय को दे रही हूं। दोस्तों ये हैं हमारे बैंगन, बैंगन के पौधे और छोटे छोटे इन पे बैंगन लगे हुए हैं, और घर में बोलते हैं बैंगन को, यानी गढ़वाली में भट्टू बोलते हैं, भट्टा बोलते हैं इनको, भट्टा। ये दो कलर के हैं हमारे यहाँ पे, एक तो ये दिख रहे हैं आपको बैंगनी कलर के, और दूसरे दिख रहे हैं आपको सफ़ेद सफ़ेद या हल्के से ग्रीन है। तो दोस्तों मैंने काम निपटाने के बाद अब मैं तैयार हो रही हूँ मार्केट के लिए। अभी बज गए हैं 7 और मुझे 7:30 बजे तक घर से निकलना है, तो इसलिए मुझे फटाफट तैयार होना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं तैयार होके, अभी पहुँच गए हैं श्रीमती जी, धीरे धीरे आगे को बढ़ते हुए छोटे से कदमों से अपना सुबह का। दोस्तों इस तरह से हम सुबह पहले घर का काम निपटाते हैं और उसके बाद अपने काम पे चले जाते हैं। कहते हैं ना, जिसमें कुछ करने का जज्बा होता है वो कुछ ना कुछ करके टाइम निकाल ही लेता है किसी भी काम को करने के लिए। तो अभी हमने अपना सुबह का काम निपटाया है और अब हम जा रहे हैं अपने काम की तरफ, बाजार जाएंगे, फिर शाम को 8 बजे घर पहुंचेंगे, और तब जाके घर का खाना पानी नाश्ता वगैरह, शाम की रोटी हो गई और सारा काम फिर रात को करेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं मार्केट, अभी मौसम थोड़ा सा धुंधला है, साफ नहीं है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे बारिश ही हुई जा रही है तो इसलिए काफ़ी धुंधला आ रहा है। तो ये हमारे राणा जी ओपन कर रहे हैं शॉप को, राणा मेडिकल्स एंड कॉस्मेटिक। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेडिकल पे, यहाँ पे है मेरे मिसेस का मेडिकल, चलते हैं। दोस्तों ये मैं आपको अपने सारे प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो ये है, थोड़े बहुत ही दिखेंगे आपको, डिटेल में फिर और दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें और डिटेल्स दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है फिर से, तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे प्रोडक्ट दिखाऊंगी, और इसमें मैं सारे पतंजलि वगैरह का भी सामान पूरा रखा हुआ है। तो इस एक वीडियो में सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही बताऊंगी कि मेरे पास एक्चुअल में है क्या क्या चीज़ें। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपके पास ये भी है वो भी है या नहीं है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आप लोगों को पता लगे कि वहाँ पे क्या चीज़ है। और
अभी ठंडी का सीज़न आने वाला है तो कोल्ड क्रीम वगैरह मैंने सारी रखी हुई है।